अच्छा ये बताएं कि आज तो मेरिकल है, पाकिस्तान टीम को मेरिकल चाहिए, कोई मौजजा हो जाए और इंग्लैंड की टीम हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए, तो ये कैसे होगा ये सब कुछ? देखिए ये इम्पॉसिबल तो है, लेकिन खेलना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। क्या करना क्या चाहिए इसके लिए? पहले बैटिंग करना होगा पाकिस्तान और 400 प्लस रन करना होगा। आप बताओ ना जरा कि क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से और क्या हुआ कि आप पाकिस्तान से इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कौन से मैच पाकिस्तान हारा जिसकी वजह से अब ये नुकसान उठाना पड़ रहा है? पाकिस्तान को सबसे बड़ा हार मिली जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था वो पाकिस्तान जीत सकती थी आसानी से, और एक गलती के चलते पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। पाकिस्तान के पास अब इंग्लैंड के साथ एक खेलने का मौका मिला है जिसमें पाकिस्तान को 400 प्लस रन करना पड़ेगा, और उसके बाद पाकिस्तान को ये जहन में रखना पड़ेगा कि इंग्लैंड को 100 रन के अंदर ऑल आउट कर दिया जाए, जिसके कारण पाकिस्तान से भी फाइनल में फिर से क्वालिफाई कर सकती है। अच्छा उम्मीद है आप लोगों को पाकिस्तान टीम से कि वो कर सकती है ऐसा? पाकिस्तान टीम जब से हम लोग खेला देख रहे, पाकिस्तान ऐसे उलट फिर हमेशा करते आ रही है, और इस बार भी करने का पूरा उम्मीद है, और हम लोग को लगता है कि पाकिस्तान कर सकती है। तो हम लोग वापसी की टिकट ना कराएं अभी? वापसी की टिकट ऐसा बात नहीं, आज के मैच के बाद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान वापस जाएगी या फिर से दोबारा सेमीफाइनल मैच खेलेगी। अच्छा आज मेरिकल चाहिए पाकिस्तान को, तो क्या उम्मीद आप ये लेकर आए हैं यहाँ पर स्टेडियम में कि पाकिस्तान टीम इतने बड़े मार्जिन से जीत जाएगी? क्या लगता है कौन से प्लेयर हैं ऐसे जो परफॉर्म करेंगे? आई थिंक फखर जमान, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के बीच भी हम लोग सब कुछ समझ गए कि ये मैच जो है वो एकदम न्यूजीलैंड की तरफ ही जाएगा, बट हम लोग देखें कि फखर जमान जो है वो गेम को अकेले तरफ घुमा दिए, तो एक तो फखर जमान जो है उनके लिए हम लोग आए हैं कि एक बार हम लोग वैसे ही कुछ इनिंग्स अगर देख लें तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास मेरे बच्चे भी आए हैं तो वो भी एक बार फखर जमान का जो शॉट है वो देखना चाहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है पाकिस्तान? पाकिस्तान विन टुडे, पाकिस्तान इंडिया फाइनल, पाकिस्तान इंडिया फाइनल। फिर एक ही बंदा खेलेगा क्या, इंडिया हो या पाकिस्तान? इंडिया पाकिस्तान दोनों, नहीं दोनों कैसे खेलेगा? दोनों खेलेगा और वन खेलेगा ना। ही इज माय वन ऑफ द फेवरेट आइडल ऑफ क्रिकेट, आई लाइक। वेरी गुड, वेरी गुड। के क्या लगता है आज क्या होने वाला है अंदर ग्राउंड में? आज फर्स्ट टॉस करेगा, जीतेगा पाकिस्तान, और बड़ा चेस करने के लिए देगा इंग्लैंड को, 400 प्लस रन का टारगेट देगा इंग्लैंड को, और उसके बाद 200-250 पे इंग्लैंड को घेर करेगा। यही उम्मीद हम लोग रखे हुए हैं कि फाइनल इंडिया और पाकिस्तान खेले ताकि हम लोग अच्छा से देख सकें और अच्छा मनोरंजन कर सकें। अच्छा क्या लगता है फखर जमान इतनी काबिलियत है उनमें कि वो आज फिर से 150-200 स्कोर बना दे तेज तेज? हम लोग तो फखर जमान और बाबर आजम से उम्मीद रखे हुए हैं कि वो लोग बड़ा टारगेट मतलब रन मारेंगे और वो लोग अच्छा चेस करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज जीतेगा और अच्छा टारगेट से जीतेगा, अच्छा रन से जीतेगा ताकि मतलब सेमीफाइनल में खेल सके पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान हम लोग देख सके सेमीफाइनल में। डॉक्टर साहब बड़े तैयार शहर होके आप आज पहुंचे हैं यहाँ ईडन गार्डन्स, तो कोई दुआई भी दे रहे हैं हमारे खिलाड़ियों को कि आज ऐसा बैटिंग करें कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं? आज मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस क्रिकेट पैशन फॉर लास्ट 35 ईयर्स, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। हाँ एक गलत डिसीजन हुआ साउथ अफ्रीका के साथ विच हैड बीन गिवन आउट, एंड पाकिस्तान का आज पॉइंट्स देन रहता और वो इंग्लैंड को मार्केट 12 भी जाती, बट दो तीन प्लेयर्स का सिलेक्शन जो था उनकी कमेटी में दैट वॉज रॉन्ग थिंग, जो दूसरे प्लेयर्स होने चाहिए थे, तो आज ये पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं रहता कि हमको 300 से हारना। अच्छा डोज क्या देंगे ये बताएं ना कि डोज क्या होगी हमारे? डोज आज होगी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का टॉस जीती है, ये हमारी दुआ है, तो वो एकदम ऑल आउट जाए, ये फिक्र ना करें कि आज हमको हारना है। इफ़ दे वॉन्ट टू क्वालिफाई फॉर द सेमी फाइनल्स जस्ट गो बैंक, अगर ऑल आउट अगर 100-150 भी हो जाते हैं डोंट वरी फॉर दैट, गो फॉर द किल एंड जस्ट ट्राई योर बेस्ट, एंड इंशाल्लाह हमारी दुआ रहेगी दैट दे विल गो अहेड एंड क्वालिफाई फॉर द सेमी फाइनल्स। सर जी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ईडन गार्डन में पहुंचे हैं अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल सेमीफाइनल खेले बस। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान टीम ने वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ तो बड़ी दबंग बैटिंग की। पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल रही है हमेशा, जब वो नीचे जाते हैं फिर जब उठते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आज इम्पैक्ट प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं? ऑब्वियसली फखर जमान, बाबर आजम एंड ऑल्सो रिजवान,
इफ्तिखार अहमद इफ्तिखार चाचू 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 इफ्तिखार चाचू चले जबरदस्त। मुझे ये बताओ आज तो कोई ईडन गार्डन में जादू हो जाए ना तो फिर पाकिस्तान टीम ये जीत सकती है, तो क्या करना चाहिए? कोई जादू होगा, कोई मिरेकल होगा, कोई मौजजा होगा? क्या करना है? जादू फखर जमान को जो 200 रन का 200 रन बनाना है कम से कम 150 बॉल के अंदर, और बाबर आजम को कम से कम 100 बनाना चाहिए। बाबर आजम को बहुत बड़ा फैन हो गया, उसका वॉल पेपर में स्क्रीन में लगा रखा, फोटो लगा रखा। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान 500 रन या 450 रन बनाना चाहिए, इंग्लैंड को कम से कम 70-80 के अंदर ऑल आउट करना चाहिए। टॉस जीत के बल्लेबाजी करें तभी। आप ऐसा करें ना, आप बटलर को कहें कि टॉस जीते और पाकिस्तान को बैटिंग दे दे। देखिए वो तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी सलाह ये कहेंगे आप ऐसे कह सकते हैं उनको, हाँ टॉस जीत के बैट करें और चांस पर आप भी है, यही एक चांस है क्योंकि यही एक रियल चांस है। लेकिन अगर आप इक्वेशन चेक करें तो जो सेकंड में बैट करेगा उसको 16-284 बॉल बाकी थकते जीतना पड़ेगा, मतलब 16 बॉल में आउट करना पड़ेगा। लिटरली ये इम्पॉसिबल, 16 बॉल में एक टीम को रन आउट ऑल आउट करना इम्पॉसिबल। तो आई विश पाकिस्तान टॉस जीते, बड़ा टारगेट दे और इंग्लैंड को जल्दी से ऑल आउट। जबरदस्त। Thank you.